हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरी चैनल पर पहली बार कोई मैं प्रैंक वीडियो बना रही हूँ। सो आई एम एक्साइटेड ऑल्सो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जो प्रैंक सोची हूँ अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए ना तो मुझे मार पड़ना ज़्यादा चांसेस है रैदर देन बचना। ओके, तो मैं बताती हूँ कि प्लान क्या है। वेट, लेट मी जस्ट कीप ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट सिट इन अ प्रॉपर वे सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। ओके फाइन, हियर आई विल सिट एंड आई विल एक्सप्लेन यू। तो चलो, फोन ना गिर जाए भाई, मेरी जान है। सब इसी के अंदर है। वेट, यस फाइन। आज हम कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अच्छी अच्छी तारीफें लिख दो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बस बता सकते हैं। तो लाइक मैंने ना आज अपने भाई को एक डेयर दिया था कि उसे हिंदी में बोलना है 24 आवर्स के लिए। हम ट्रूथ एंड डेयर सुबह खेल रहे थे, सुबह मतलब वो स्कूल के से आने के बाद। तो तब मैंने उसे, हम ऐसे खेल रहे थे तो मैंने उसे बोल दिया कि तू आज हिंदी में बात करना, अब से 24 आवर्स तक, मतलब कल तक वो हिंदी में ही बात करेगा घर में। स्कूल में भी वही करेगा बट मैं घर की बात बोल रही हूँ। ओके, तो आज ही बेस्ट होगा ये प्रैंक करने को क्योंकि उसे हिंदी में बात करनी है प्रैंक के टाइम, तो हो जाएगा प्रैंक। नहीं तो उड़िया में अगर करता तो कुछ काम का नहीं होता। दूसरी बात, अगर अभी हम सबटाइटल लिखते तो बहुत टाइम लग जाता, लिटरली हम इतने आलसी हो चुके। एक तो ये सर्दी में वीडियो बनाओ, और हमें तो कभी कभार लगता है कि हम बिना कुछ चेंज किए वैसे ही स्वेटर से वीडियो बना ले, फिर याद आते कि नहीं, हर एक वीडियो में स्वेटर नहीं पहन सकते, ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, मतलब बाहर की अच्छी ड्रेस पहननी पड़ेगी, स्वेटर से काम नहीं चलेगा, स्वेटर तो ऐसे लाखों है नहीं। तो हमने ये सोचा है कि आज हम उसके ऊपर प्रैंक करेंगे कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और हम उससे कल मिलने जा रहे हैं, इसे मम्मी को मनाना पड़ेगा कि हम वहाँ उनके साथ जाएंगे, जो भी है इमेजिनरी सोच लो। ओके, क्योंकि वो कभी नहीं मनाता है। एक बार, दूसरी बात, उसे शायद गुस्सा आ सकता है क्योंकि अगर उसे लगेगा कि ये सच है तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा कि तू मुझे इतने दिन तक बताई क्यों नहीं, क्योंकि वो मुझे पूछता रहता है तू क्या कर रही है फोन के अंदर इतने देर घुस के, उससे क्या पता होता है हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं 24 घंटा। बट फाइन, वो इजी होगा प्रैंक करने के लिए। तो ऐसे ही हम उसे ना थोड़ा डरा धमका के बोलेंगे कि तुझे मम्मी को बतानी होगी, और उसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि वो क्या बोलता है या क्या सोचता है उस बारे में। बड़ा मजा आएगा। पर मम्मी को सच्ची में ना बोल दे गुस्सा होकर, फिर मुझे घर से बाहर निकाल दे। ये सब काम करने। चलो, सो मैं अभी फ़ोन कहीं पर एक छुपा लेती हूँ ताकि वो आते टाइम वो कुछ सुने ना। हम ऐसे उसे बहाना करके भेजें बाहर कि मुझे वीडियो के लिए कुछ यहाँ ड्रेस वगैरह में काम करनी है तो तू बाहर निकल जा। तो इसीलिए हम वो बहाना दिए हैं। तो वो आने से पहले हम ये सब काम करके फ़ोन कहीं पर छुपा देते हैं, यहीं पर बैठ के हम प्रैंक कर लेंगे। क्योंकि अगर हम दूर फ़ोन रख दें तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ट्रस्ट में कुछ भी सुनाई नहीं देगा इस फ़ोन के, क्योंकि माइक तो हम लगा नहीं सकते इतने दूर, उसे पता चल जाएगा कि माइक क्यों लगाई ये लड़की। तो इतना दूर अगर रख देंगे तो होने आ पाएगा, तो इसलिए हम कोई आसपास की जगह देखते हैं। चलो ना, ये बेड के पास रख सकते हैं क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा यहाँ से। बट वेट, हम यहाँ रख लेंगे तो शायद कैमरा ना छिप जाए। वेट, यहाँ रख लेंगे तो पीछे का दिखता है या नहीं मैं देख के दे बोलती हूँ। गाइस, मैं इस तरीके से फोन रखी हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, रुको मुझे वहां जाने दो। दिखाई दे रही हूँ ना मैं यहाँ पर एक्चुअली। वहां से हम फोन को कवर कर दिए हैं बेड के अंदर, तो इसीलिए
दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो पकड़े जाते हम, तो शायद यहीं पर बैठ के हम वो डेयर कर पाएंगे, सॉरी प्रैंक कर पाएंगे। होप फॉर द बेस्ट, हो जाए प्रैंक सक्सेसफुल अगर उसे दिख गया ना थोड़ी सी भी। फिर गई भैंस पानी में, चलो देखते हैं दिखाई भी दे रहा है या नहीं। सो गाइस, मैं बहुत चेक करने के बाद ये जगह पे रखी हूँ, तीन तीन जगह मैंने चेंज कर लिया इस प्रैंक के चक्कर में, और फोन भी बहुत गंदा हो चुका है। आई होप उसे दिख ना जाए यहाँ से कैमरा, और अच्छे से छुपाई हूँ कैमरा तो दिख भी नहीं, मतलब पता नहीं चल पाएगा उतना इजीली, बट ना चल पाए तभी बेहतर है। ओके, सो होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द प्रैंक। चल चल सुन, तुझे मुझे कुछ बताना था। मत बोल। अरे सुन यार, मैं सीरियस हूँ। तू क्या हाँ चल चल मत, भाग भाग भौक भौक, बोल 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 तू ना मम्मी को थोड़ा मना सकता है? मेरे लिए तू मनाती है, मेरे को बोलती है बनाने। अरे नहीं, मैं तू तुझे मैं बता दूंगी कि कैसे बताना होगा, तू बस मम्मी को समझा देना। क्यों बोलना क्या है? अरे मतलब बोलना है कि मुझे कल थोड़ा बाहर भेजे, मतलब तू भी तो मुझे बोल सर। सकते है अरे ना, तू जो सोची बोल के जाते है। नहीं मतलब तू जरा बता दे कि मम्मी उसे थोड़ा छोड़ो, या ऐसे बोल देगा शायद छोड़े मुझे। हाँ मम्मी को बोला, बोल देता हूँ जी, जाएगी फिर बार यहीं घूमने जाएंगे बस, पापा के साथ। नहीं पापा के साथ नहीं, अकेले जाना है ना, तभी बोल रही हूँ मनाने के अकेले लिए। हो रे, हाँ रास्ता भी आता है इधर से, दुकान का रास्ता याद है तेरे को? अरे यार तू मजाक मत कर, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। तो मैं कहा इधर पान खा के मजाक कर रहा हूँ। अरे नहीं मुझे ना कल अपने कोई दोस्त के साथ अकेले जाना था, तो कौन तू एक दोस्त है। दोस्त? तो इंसान मतलब दोस्त तो दोस्त है, बट कौन सची भी? नहीं बट सच्ची है, और कोई दोस्त? दीदी अभिषेक दीदी दीदी कौन तो फिर अजय दीदी? नहीं तू अगर किसी को नहीं बोलेगा तो तब मैं अगर बताऊंगी, नहीं बोलूंगा बोल। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। अरे क्या सुनाई नहीं दिया? मतलब सच्ची, मतलब मैं तुझे बताने वाली थी बट तू छोटा है इसलिए मैं नहीं बता रही थी। हाँ आई होप तू मुझे आज हेल्प पूरा करेगा। पूरा बात बोल, मैंने सुना फिर से। फिर अरे यार तू 10 बार बोल रहा है, तो मैं कैसे बोलूं? से लास्ट टाइम लास्ट। अबे हिंदी में बात करने में डेढ़ तो मेरे को दिया गया था, तू क्यों हिंदी आ? तुझे देर दी थी पर तू बात कर रहा है हिंदी में, तो मैं भी फील तू भी ले लूं हिंदी की, ऐसी जरूरी बोल बोल, फिर से नहीं। बोल, फिर से लास्ट बार रिपीट कर। अरे मतलब मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कल घूमने जाना है, तो तू एक बार प्लीज मम्मी को मना दे किसी एक बहाना करके, तो हम जा पाएंगे। नेक्स्ट टाइम से मैं तेरे को सब बता दूंगी कि क्या कुछ। ओके चल, अभी मम्मी को बुला के बता देता हूँ। अब अरे तू मतलब कुछ बहाना करना ऐसे डायरेक्ट बता अरे देगा तो फिर मेरे को बहाना भाई पिटवाएगा मेरे से क्या? नहीं अरे होता। हाँ तो पहले में तो मजा आता है ना, पिटाऊंगा ही ना। यार मैं सच्ची तो मैं बहुत सीरियस होके बोल रही हूँ यार, हाँ तो मैं तुझे कहाँ मजाक कर रहा, मैं कहाँ मजाक कर रहा, मैं तो यार बोल दूंगा। तूने बोला कि मैं बोल दूंगा मैं बोल मैं तुझे दूंगा हेल्प मांगने के लिए बोल रही बैठ हूँ, बैठ तू बैठ के बात कर मैं तो बोल दूंगा। मैं तुझे हेल्प मांगने के लिए बोल रही हूँ, और तू ऐसे मम्मी को अगर बता देगा तो फिर तो हाँ सही करूंगा। मैं अभी तेरे को आज से हेल्प नहीं करूंगी कोई भी बात पर, याद रख। हाँ चलेगा, पहले मैं बोल तो यार मजा आएगा प्लीज मुझे मजा आएगा, मैं बोलूंगा पापा को भी बोलूंगा अरे क्या ये सब अगर मैं सही है सही है।
अभी आज से पापा मम्मी दोनों होंगे, दोनों को एक साथ बताऊंगा, तेरे को पिटाऊंगा। पागल हो चुका है यार तुम, मैं तेरी बहन हूँ तो हेल्प नहीं कर सकता। नहीं, बोल के गलती की आज मैं बोलूंगा, अभी बोला कि मम्मी को बोल दूंगा। अभी मम्मी को बोल दूंगा, मम्मी बोलू बोलू मम्मी मैं बोल दूंगा मैं बोल दूंगा मैं तुझे इतनी कौन है तू, मैं तुझे खाना दूंगी इसके लिए। कौन है तू नहीं जानता, कौन है मैं नहीं जानता। मैं बोलूंगा, मैं बताऊंगा, अभी मम्मी आएगी, पापा मम्मी को, पापा को कॉल करूंगा, इधर खड़ा करूंगा, केस करूंगा, मैं उधर जज बन के बैठूंगा। जज बैठी के अंदर पापा मम्मी रहेंगे लॉयर, तू है मुजरिम। बड़ा मजा आएगा। मैं नहीं मानूंगा, अभी जा रहा हूँ। मारेगी तो जाके फिर बोल दूंगा। वो बोलना मेरे को भी आता है, समझी? इधर बोल, बंद तो हुआ नहीं है वो, जा रहा मम्मी को बोलूंगा। मैं भी हेल्प करने जा रहा हूँ मेरे साथ चलना। फटाफट, अरे ये प्रैंक था पागल, चल झूठी। अभी रुक, मैं पापा को पहले फोन, सच्ची ये प्रैंक था। रुक रुक, फोन लाने दे, फोन लाने दे तू। प्रैंक जाए भाड़ में, अभी मैं कॉल कर रहा हूँ। फोन। अरे सुन, मिल गया। अबे अभी ऑन किया, देख तीर से झूठी कॉल। अरे इससे पहले वाला वीडियो मैं दिखा देती हूँ तेरे को, ये प्रैंक था। चल जा, अबे सच्ची है, पापा को बोलने वाला। हेलो, ये रुक। अबे सच्ची प्रैंक था, तू देख लेना वीडियो। अरे सच्ची सुन, ये प्रैंक ही था, घंटा प्रैंक था। अभी स्टार्ट किया है झूठी। नहीं ये कब, अरे इससे पहले वाला वीडियो मैंने कंप्लीट करके ये वाला ऑन किया, क्योंकि तब बैक कैमरा था। तो मैं कॉल कर दूंगा, अभी नंबर आ गया। तो देखो ऐसे भाई होते हैं यार, ये बोल रहे मन का बोला है। उसके बाद जो इधर तमाशा होता वो भी रिकॉर्ड में डाल देती, मस्त व्यू था। तो गाइस ये हुआ पापा, प्रैंक तो आधे से ज्यादा फेल हो गया यार। ये सीरियस ही नहीं था, ये हंस हंस के बोल रहा है कि मैं मम्मी पापा को जाके बोल दूंगा। हंसाने में जो मजा आता है ना, बहुत मजेदार काम है यार। मेरा हाथ दर्द होने लग गया, बहुत सही। प्रैंक करने यहाँ आके बैठ जा। प्रैंक करने कौन बोल रहा था, मैं पीछे हूँ पीछे। ओह शिट, ये लिया फोन। हाँ बट ये बात तो मैं मम्मी पापा को बोल गया हूँ। तो गाइस ए, तू तेरा चेहरा दिखा। एक मिनट रुक जा, तेरा चेहरा दिखा यहाँ। क्या ये ऐसे भाई होते बोल रहे मैं मम्मी पापा को जाके बोल दूंगा, ये ऐसे कौन होता है यार। ये तो मुझे ऐसे हर बात पर, मुझे लगता है कि ये एक बात पर तो कभी हेल्प कर दे, इस बात पर भी मम्मी पापा को बोलने जा रहा था। थैंक गॉड ये प्रैंक था, नहीं तो सोचो मेरा क्या हाल होता। मैं पता था ये कोई मम्मी को मना भी नहीं सकता है, बस ऐसे ही बोल रहे थे। खुद की जिंदगी झंडे आया मेरी जिंदगी सवार। जो बोला है ना वो अभी रिकॉर्ड है, सुनेगी? नहीं, रहने दे। हाँ अभी मैं पापा को सेंड करूंगा, उसके बाद पापा को बोलूंगा बस चीज को बिगाड़ने बचाने के लिए उसने, मैं भी कॉपीराइट सॉन्ग लगाऊंगा। अबे पागल है क्या? ये ना ऐसे ना मेरे वीडियो के वक्त हर वक्त डराते रहते मैं कॉपीराइट सॉन्ग लगा दूं। अबे नॉन कॉपीराइट नहीं, ये नॉन कॉपीराइट है। ये हर वक्त ऐसे डराता रहता है कि मैं कॉपीराइट सॉन्ग लगा दूंगा, फिर तेरा वीडियो गया। ऐसे कौन डराते है? मैं डराता हूँ, और कोई कॉपीराइट सॉन्ग? तो गाइस प्रैंक और प्रैंक
कॉपीराइट बोलते हैं चल झूठी पापा मम्मी को तो पता चला उनकी भी है मतलब उनके जमाई कैसा है नाम बोलो जमाई का प्लीज मैं अभी घर में जाके बताना है मुझे तो गाइस यही था आज का वीडियो आज से ज्यादा ये उसका एक्सप्रेशन आया नहीं मुझे पता है क्योंकि इस तरह का एक्सप्रेशन ये सब एक डायलॉग मैं अभी जाके बोलता हूँ और इसे कुछ आता नहीं हेल्प करना आता नहीं मुझे लगा शायद ये थोड़ा बोलेगा कि ओके दी मैं हेल्प करूँगा ये करूँगा वो करूँगा कुछ नहीं डायरेक्ट लाइक अभी जाता हूँ और बोलता हूँ अबे ये पागल हो गया ये लोग वो स्नैपचैट को या जो का भी हो उसे बंद करा तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को लाइक कर देना वीडियो को और अगर आप ऐसे और प्रैंक वीडियोस चाहते हो इसके ऊपर और नहीं करना क्योंकि ये हर एक प्रैंक गंदा कर देता है यार लिटरली वाहियात हो गया ये वीडियो उसके एक्सप्रेशन है हर बार फें ऐसा कौन करता है भे? मैं करता हूँ तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लव यू ऑल स्टे होम स्टे सेफ एंड वॉच ऑल माय बाय